आर्किमिडीज ऐसे समय के वैज्ञानिक थे जब संसाधनों का भारी अभाव था, लेकिन उन्होंने इसे बाधा नहीं बनने दिया। वो ना सिर्फ एक वैज्ञानिक बल्कि मैथमेटिशियन, इंजीनियर, इन्वेंटर, फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर भी बने। आर्किमिडीज ने ऐसे आविष्कार किए जिनसे दुश्मन देश तक खौफ खाते थे। तो चलिए जानते हैं आर्किमिडीज से जुड़ी रोचक जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह, यूनिवर्सल फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आर्किमिडीज का जन्म 287 ईस्वी में इटली के सायराक्यूज में हुआ। उनके पिता एक एस्ट्रोनॉमर थे। बताते हैं कि सायराक्यूज उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। आर्किमिडीज ने अपनी शिक्षा अलेक्जेंड्रिया के यूक्लिड यूनिवर्सिटी से पूरी की। उस समय यूक्लिड यूनिवर्सिटी मैथ के लिए जानी जाती थी। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्हें यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम से भी जाना जाता था। यूक्लिड फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी फेमस हैं। खैर, यहाँ हम बात कर रहे हैं आर्किमिडीज की। आर्किमिडीज की बायोग्राफी उनके करीबी दोस्त हेराक्लिटस ने लिखी, लेकिन वो दस्तावेज कहीं खो गया, इसलिए आर्किमिडीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। उन्हें प्राचीन समय का वैज्ञानिक माना जाता है। आर्किमिडीज ने अपना सारा समय मैथ की स्टडी और आत्मचिंतन में बिताया। कहते हैं कि आर्किमिडीज गणित के सवाल हल करने में इतने खो जाते थे कि वो अपना लंबा समय उसी में लगा देते। उस समय ब्लैक बोर्ड और पेपर नहीं हुआ करता था, लेकिन आर्किमिडीज इन सब के बावजूद ज्योमेट्रिक शेप्स बनाने में माहिर थे। वो इतने कुशल थे कि जमीन पर राख या मिट्टी से ही ज्योमेट्रिक शेप्स बना देते। इसके अलावा उन्हें मशीनों के बारे में ज्यादा जानकारी थी। बताते हैं कि उन्होंने सायराक्यूज को रोम के चुंगल से बचाने के लिए कई तरह की खोज भी की। आर्किमिडीज ने कई सारी थ्योरीज दी हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बचपन में आपने एक सिद्धांत यानी प्रिंसिपल पढ़ा होगा। जब किसी वस्तु को पानी या द्रव में डुबोते हैं तो उसके भार में कमी आ जाती है। वो आर्किमिडीज ही थे जिन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की। इस सिद्धांत को जानने के लिए सबसे पहले हमें पानी से भरा एक जग चाहिए। इसमें आप सबसे पहले एक चम्मच डुबो देंगे। ऐसा करने के बाद जग में भरा पानी बाहर निकलेगा। इसी के साथ ही चम्मच के भार में कमी आ जाती है। चम्मच के भार में कमी जग से बाहर गिरे पानी के भार के बराबर होती है। इसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत ऐसे समय पर दिया जब गणितीय आधार शून्य ही था। 1687 में न्यूटन ने न्यूटन प्रिंसिपिया नामक किताब लिखी। इसमें लॉ ऑफ ग्रेविटी का वर्णन था। इस तरह 1937 के बाद आर्किमिडीज सिद्धांत पर गणित की इक्वेशंस लिखी गईं। बताते हैं कि एक बार आर्किमिडीज नहा रहे थे, इसी दौरान वो वस्तु और द्रव के भार को लेकर विचार करने लगे। आर्किमिडीज इस विचार में इतना खो गए कि नहाने का टब पानी से लबालब भर गया। इसे देखकर वो खुश हो गए क्योंकि उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था। दरअसल उन्हें कंपैरेटिव डेंसिटी के विचार का हल मिल गया था। उन्होंने देखा कि टब भर जाने पर उसका पानी टब से बाहर निकल रहा है। इस घटना से आर्किमिडीज ने अनुमान लगाया कि वस्तु का आयतन यानी वॉल्यूम, आयाम यानी विड्थ और आकार यानी शेप का पता लगाया जा सकता है। इसे देखकर वो जोर से यूरेका यूरेका चिल्लाए। उनका कहना है कि जब कोई वस्तु पानी में डूब जाती है तो उसमें उछाल आता है। उछाल कहलाने वाला बल उस वस्तु द्वारा प्रतिस्थापित पानी के बराबर होता है। वस्तु का आयतन जितना ज्यादा होगा और वजन कम होगा तो वो पानी में कम डूबेगी, जबकि जिसका वजन ज्यादा और आयतन कम वो वस्तु डूब जाएगी, क्योंकि उस वस्तु द्वारा प्रतिस्थापित पानी का भार कम होता है और उछाल भी कम होती है। हल्की वस्तु का उछाल ज्यादा होता है। आर्किमिडीज का ये सिद्धांत पूरी तरह पानी में डूबी हुई और आंशिक रूप से डूबी हुई दोनों ही प्रकार की वस्तुओं पर लागू होता है। ये सिद्धांत तरल पदार्थों पर ही नहीं गैसों पर भी लागू होता है। इसी वजह से बलून हवा में उड़ते हैं। जहाज पानी में कैसे तैरते हैं ये जानने में आर्किमिडीज का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। आर्किमिडीज ने लीवर और घिरनियों के सिद्धांत की मदद से एक बड़े जहाज को समुद्र से खींचकर किनारे लगवा दिया था। एक समय की बात है, सायराक्यूज के राजा ने सोने का मुकुट बनवाया।
राजा को शक था कि इसमें कोई मिलावट की गई है, इसलिए उसने आर्किमिडीज को बुलवाया। आर्किमिडीज ने पानी से भरा एक बर्तन लिया और उसमें सोने के मुकुट को डुबो दिया। उसके बाद जो पानी बाहर गिरा उसे नाप लिया। इसके बाद उतने ही वजन का सोना लिया और पानी में डुबोया तो देखा कि दूसरी बार पानी कम गिरा। इससे साबित हो गया कि मुकुट के सोने में कुछ मिलावट थी। उसमें चांदी का मिश्रण था क्योंकि सोना ज्यादा भारी होता है और चांदी हल्की। समान वजन वाला सोना कम जगह घेरता है और चांदी ज्यादा जगह। यही सापेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी का सिद्धांत है, लॉ ऑफ ब्योयांसी, उछाल का नियम। आर्किमिडीज ने अनुमान लगाया कि जब कोई निर्जीव वस्तु या जीवित वस्तु पानी में डूबती है तो उसके भार में कुछ कमी आती है और पानी उसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर धकेलता है। पानी के अंदर एक ऐसा बल होता है जो डूबी हुई वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है। इसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। पानी में डूबी हुई निर्जीव या जीवित वस्तु पर लगने वाले बॉइलिंग फोर्स वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए पानी की मात्रा के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर जब एक नाव पानी में तैरती है तो वो डूबती नहीं। इसके अलावा बड़े भारी भरकम जहाज के तैरने की वजह यही है। आर्किमिडीज स्क्रू सिंपल मशीन। आर्किमिडीज ने एक ऐसा उपकरण तैयार किया जिसमें घूमते हुए स्क्रू के साइज के ब्लेड लगे थे। ये एक ऐसी मशीन थी जो आसानी से पानी को उठा सकती थी। इस मशीन का उपयोग कोयला, अनाज जैसी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने या रखने में किया जा सकता था। लॉ ऑफ लीवर। आपने सी सॉ झूला तो देखा ही होगा, ये लॉ उसी पर बेस्ड है। इस प्रयोग में एक लंबी रॉड की मदद से कम वजन से भी भारी वजन को उठाया जा सकता है। इस प्रयोग में रॉड के एक तरफ कम बल लगाकर भारी वजन पर लंबी रॉड की दूसरी तरफ से क्रिया की जाती है और भारी वजन को उठाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने देश की रक्षा के लिए कई काम किए। आर्किमिडीज ने कई ऐसे उपकरण बनाए कि कोई भी उनके राज्य पर हमला नहीं करता था, वो डरता था। एक बार तो आर्किमिडीज ने ऐसी तरकीब निकाली कि शीशे की मदद से सौर ऊर्जा के जरिए दुश्मनों के जहाजों में आग लगवा दी। इसके लिए एक शीशे की मदद ली गई थी। इस तरह उन्होंने कई युद्ध को रोककर अपने देश को बचाया। लेकिन मौका पाते ही 212 बीसी में रोमन के एक सैनिक ने भाला मारकर उनकी हत्या कर दी और इस तरह एक महान मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट का अंत हो गया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।